हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं आंसर की ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पेपर वन जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जिनके मार्क्स थे एट मार्क्स के भी हो सकते हैं टेन मार्क्स के एंड फिफ्टीन मार्क्स के तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स कि आपको आंसर कैसे लिखना है और आंसर के अंदर आपने क्या क्या लिखना है तो जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनके आंसर ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है कि आपको आंसर में क्या क्या और किस स्टाइल में लिखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें डिफाइन नर्सिंग एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग यानी कि एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन डाले गए हैं कि नर्सिंग को डिफाइन करना है एंड प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग बताने हैं तो सबसे पहले नर्सिंग को डिफाइन करना है तो इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आपको कम से कम दो से तीन डेफिनेशन हमेशा लिखनी है जब भी किसी भी टॉपिक पे आपसे डेफिनेशन पूछे जाए तो आपने दो से तीन डेफिनेशन लिखनी ही है तो इसमें भी यही दिया गया है इसमें आपको तीन डेफिनेशन बताई गई है फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्जीनियन हैंडरसन तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन uh, दी है नर्सिंग के बारे में सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइट एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जिसे हम ए एन ए भी बोलते हैं तो अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये मैं करवा चुकी हूं इसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक फोल्डर मिलेगा आपको उसमें जाकर के आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक मिल जाएंगे एंड आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं और इसे सेव करके रख लीजिए और आप ये नोट no डाउन कर सकते हैं इसकी डेफिनेशंस देन आ जाता है इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल में क्या क्या लिखना है आपने तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा सेफ्टी सेकंड है थीरोपेटिक इफेक्टिवनेस थर्ड है कंफर्ट फोर्थ है यूज ऑफ रिसोर्सेज गुड वर्कमैनशिप एंड इंडिविजुअलिटी तो ये सारे क्या हैं नर्सिंग के प्रिंसिपल हैं कि नर्स को सेफ्टी रखते हुए कैसे क्लाइंट का भी ध्यान रखना है और अपने कोवर्कर्स का भी ध्यान रखना है देन कंफर्ट कैसे दिला सकती है क्लाइंट को एंड वर्कर्स को तो ये सारे इसके प्रिंसिपल आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा डिफाइन प्रोफेशन प्रोफेशन क्या होता है प्रोफेशन के बारे में बताना है तो इसमें आंसर में इसका दिया हुआ डेफिनेशन सबसे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन दी गई है देन अ प्रोफेशनल नर्स क्या होता है वो उसकी डेफिनेशन दी गई है देन शी हैज़ अ वेरिस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक नर्स की क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो दिया गया है जैसे कि केयर गिवर हो सकता है एडवोकेट नर्स को होना चाहिए क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए एज ए टीचर होना चाहिए कम्युनिकेटर होना चाहिए मैनेजर होना चाहिए रिसर्चर होना चाहिए एंड एक नर्स को रिहेबलीटेटर होना चाहिए रिहेबलीटर क्या होता है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी भी डिजीज के कारण वंश हॉस्पिटल में आता है उसको हेल्दी बनाकर उसकी प्रीवियस कंडीशन में यानी कि जब वो हेल्दी था पर्सन उसको उसी कंडीशन में दोबारा से पहुंचाना ये सारी जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हॉस्पिटल राइट द क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल एंड इन लिस्ट द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल तो इसमें तीन क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है जैसे हॉस्पिटल को डिफाइन करना है क्लासिफिकेशन uh, बतानी है हॉस्पिटल की एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल बताना है तो सबसे पहले डेफिनेशन है हॉस्पिटल की देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल तो फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड बेड के अकॉर्डिंग बताया गया है स्मॉल साइज हॉस्पिटल हंड्रेड बेड टू लेस बेड यानी कि सौ से सौ बेड होते हैं या फिर सौ से कम बेड होते हैं उन्हें हम स्मॉल हॉस्पिटल बोलते हैं और जो मीडियम हॉस्पिटल होते हैं उसमें एक सौ एक से तीन सौ बेड्स होते हैं एंड लार्ज हॉस्पिटल में तीन सौ एक से एक हजार बेड्स होते हैं एंड उसके बाद बेड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू बेड स्ट्रेंथ टीचिंग हॉस्पिटल में फाइव हंड्रेड एंड अबव यानी कि पाँच सौ या पाँच सौ से ज़्यादा बेड होने चाहिए टीचिंग हॉस्पिटल में उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 से 300 सौ बेड होना चाहिए तालुका हॉस्पिटल में 50 से 200 सौ बेड होने चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है 30 से 50 बेड होने चाहिए एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 टू तो 10 बेड होने चाहिए सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप और कंट्रोल यानी कि इन सब चीज़ों को कौन कौन कंट्रोल करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको आ, मेरे चैनल पर मिल जाएगी देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन आ जाएगा उसके बाद क्या क्या फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल के तो फर्स्ट आता है इसमें केयर फॉर दिक एंड इंजर पेशेंट यानी कि पेशेंट की, की केयर की जाती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर मेडिकल नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल स्टूडेंट एंड मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च आउट पेशेंट सर्विस एंड इन पेशेंट सर्विसज़ तो इन थोड़ा सा और अगर सिर्फ आपसे फंक्शन पूछे जाएँ यानी कि आपसे टेन या ट्वेल्व uh, या फिफ्टीन मार्क्स में सिर्फ आपसे फंक्शन पूछे जाएँ तो आप इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट कीजिए यानी कि इन्हीं को uh, पॉइंट्स को आपको और अच्छे से बढ़ा करके लिखना है देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें डिफाइन एडमिशन राइट अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल तो इसमें एडमिशन को डिफाइन करना है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है देन प्रोसीजर ऑफ एडमिट एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल और प्रोसीजर भी आपको बताना है तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन दी गई है रिसीविंग अ पेशेंट टू स्टे इन अ हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड केयर तो एडमिशन का क्या मतलब होता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसका डायग्नोसिस किया जाता है एंड ट्रीटमेंट की जाती है और उसको केयर प्रोवाइड करवाई जाती है उसके बाद प्रोसीजर जा, आ जाता है इसमें प्रोसीजर में क्या क्या होता है रिसेप्शन टू पेशेंट रिसेप्शन ऑफ पेशेंट देन अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड द मेडिकल डाटा मेडिकल एग्जामिनेशन होती है फिर उसके बाद एडमिशन कार्ड बनाया जाता है पेशेंट का उसके बाद इन पेशेंट डिपार्टमेंट में उसको रखा जाता है एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द ओपीडी एंड आई पी डी यानी कि जब उसका जो डायग्नोस हो जाता है उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ओ पी डी या फिर आई पी डी में देन रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट बाय द वार्ड सिस्टर और उसके बाद उसको वार्ड सिस्टर के अंडर रखा जाता है देन प्रिपेयर क्लाइंट रिकॉर्ड एंड चेक एडमिशन कंसेंट तो ये सारे क्या हैं प्रोसीजर है एडमिशन के उसके बाद और भी है कुछ पॉइंट्स इसमें

तो आपने क्या करना है प्ले में जाना है प्ले में आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जी न मेरे बी एस सी फर्स्ट ईयर का एक फोल्डर मिलेगा उसको ओपन कीजिए उसमें आपको ये सारे टॉपिक जो है पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं नोट्स के साथ आपको ये मिलेंगे तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन दी गई है डिस्चार्ज प्लानिंग इज अ सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटेड एंड मल्टी डिसप्लिनरी प्रोसेस विच इन्श्योर डैट द पेशेंट हैज़ अ प्लान फॉर कंटिन्यूइंग केयर आफ्टर लिविंग द हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर आ जाता है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो मैं अभी इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगी और आपके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे इसलिए मैं जस्ट आपको ये दिखा रही हूँ आप इसका स्क्रीन शॉट लेते जाइए और इसे सेव करते जाइए अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो बना करके आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए तो ये है डिस्चार्ज प्रोसीजर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थिरोपेटिक एनवायरनमेंट एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग थिरोपेटिक एन्वायरमेंट ऑफ अ पेशेंट तो सबसे पहले इन्होंने डेफ़िनेशन दी गई है कि थेरोपेटिक इन्वायरमेंट क्या होता है थेरोपेटिक इन्वायरमेंट इज अ वेयर द नर्स प्रोवाइड कम्फर्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एनी हेल्थ हेज़ इन हॉस्पिटल सेटिंग तो थेरोपेटिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि नर्स एक ऐसी पेशेंट को एक ऐसी सेफ्टी प्रोवाइड करेगी एक कम्फर्टेबल सिचुएशन या फिर एक सेफ इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करवाती है जहाँ पर उसे किसी भी तरह की कोई भी आ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ भी पेशेंट मान लीजिए कि पेशेंट जो है अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वो उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखती है नर्स पेशेंट को ताकि वो सेफ फील करे देन उसके बाद फैक्टर फैक्टर the आ, आ जाता है इसमें फैक्टर विच एफैक्ट दिनवायरमेंट इसमें आ जाता है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर आ जाता है एयर मूवमेंट आ जाता है लाइटनिंग आ जाता है यानी कि कैसे कैसे इनवा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं देन नॉइस आ जाता है एंड प्योरिटी ऑफ एयर आ जाएगा इसमें नॉइस प्योरिटी ऑफ एयर देन एलिमिनेशन ऑफ अनप्लेजेंट ऑर्डर यानी और आ जाएगा इसमें वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल एंड एस्थेटिक फैक्टर्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रिकॉर्ड इन लिट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी तो इसमें आ जाएगा डेफिनेशन कि रिकॉर्ड क्या होता है रिकॉर्ड इज अ क्लिनिकल साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लीगल डॉक्यूमेंट रेडिंग टू द नर्स केयर गिवन टू इंडिविजुअल फैमिली एंड सोसाइटी तो रिकॉर्ड क्या है एक क्लिनिकल साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक पेशेंट का एक तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है से लेकर के जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक का रिकॉर्ड उसके अंदर रखा जाता है तो ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट भी माना जाता है देन इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड के क्या क्या इम्पोर्टेंस है तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड पेशेंट रिकॉर्ड नर्स रिकॉर्ड डॉक्टर रिकॉर्ड ग्राफिक चार्ट यानी कि टी पी आर रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी डाइट शीट कंसेंट फ्रॉम द ऑपरेशन एंड एनस्थीसिया इनटेक एंड आउटपुट चार्ट रिपोर्ट ऑफ एनेस्थीसिया फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड अदर स्पेशल ट्रीटमेंट देन रजिस्टर आ जाता है बर्थ एंड डेथ रजिस्टर आ जाएंगे तो ये सारे क्या हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड हैं कि किस किस तरह के रिकॉर्ड्स जो हॉस्पिटल में रखे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ओरल केयर ओरल हाइजीन या फिर ओरल केयर भी से हम बोल सकते यानी कि माउथ की कैसे केयर की जाती है इंटरनल माउथ यानी कि जिसमें आपकी टंग आ जाती है टीथ आ जाते हैं तो उसकी केयर कैसे की जाती है राइट द पर्पज ऑफ द ओरल केयर What is the complication of neglecting oral hygiene? How to prevent the complication of neglecting mouth? Explain the procedure of mouth care for unconscious patient. तो इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन मिलाकर के एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो हो सकता है कि इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएं, यानी कि define oral care या फिर oral hygiene and write the purpose of the औरल केयर सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ निग्लेक्टेड औरल हाइजीन या फिर हाउ टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ निग्लेक्टिंग माउथ ये भी पूछा जा सकता है तो आपको ये पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है औरल हाइजीन क्या होता है तो आप डेफिनेशन को पढ़िए वीडियो को पोज कीजिए और इसको डेफिनेशन को पढ़िए देन आ जाता है इसका पर्पस पर्पस क्या क्या होता है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लिप्स टंग एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड टू प्रिवेंट द ट्रीट ओरल इन्फेक्शन को बचाने के लिए मोर्च द ओरल म्यूक्योजा यानी कि ओरल म्यूकोजा का मॉइस्ट बनाए रखने के लिए टू प्रिवेंट द डेंटल कैरीज एंड टूथ डिके यानी किसी भी तरह के डेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू हो उससे बचाया जा सके ताकि स्टिमुलेट सेल्यूशन को रखा जा सके प्रिवेंट हेलिस्टोसिस हेलीटोसिस क्या होते हैं जब मुंह में से एक तरह की आ, स्मेल आने लग जाती है यानी कि बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है तो उसे हम हेलिस्टोसिस बोलते हैं उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ निग्लेक्टिंग ऑरल हाइजीन हेलिस्टोसिस इसमें भी दिया हुआ दिया हुआ है इट इज़ अ बैड ऑर्डर ऑफ द ब्रीथ यानी कि जब आ, सांसों में से एक बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है तैन तो कॉम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं डेंटल कैरीज डेंटल एंड तो ये है सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू नेग्लेक्टिंग ओरल हाइजीन तो क्या क्या कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं तो इसमें भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं सभी पॉइंट्स को ऑलमोस्ट ये थर्टीन पॉइंट्स हैं और उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर कि क्या क्या प्रोसीजर में किन किन आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है इसमें स्मॉल मैग्नीटोश एंड फेस टवल आर्टरी फोसेप एंड डिसेक्टिंग स्मॉल बाउल विद माउथ वॉश सल्यूशन एंड द नॉर्मल लाइन किडनी ट्रे एंड पेपर बैग एमुलेंट टंग डिप्रेसर क्लीन ग्लव्स गॉज पीस प्लेन वाटर एंड संगक्शन अप्रेट्स तो ये सारे आर्टिकल्स हैं उसके बाद आ जाता है स्टेप ऑफ प्रोसीजर की इन जो है स्टेप वाइज कैसे कैसे इस प्रोसीजर को करना है तो ये पूरा इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं पॉइंट्स को आप नोट no डाउन कर सकते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन स्पोज बाथ स्पोंज बात क्या होता है और यह कैसे दिया जाता है राइट द पर्पसेस एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर इसमें भी पर्पस बताना है एंड प्रोसीजर बताने हैं एंड वट इज ये भी आपको बताना है तो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है देन उसके बाद पर्पस बताए गए हैं फिर आर्टिकल्स स्क्रीन बात ब्लैंकेट फॉर प्राइवेसी टू वॉश ट वन बाथ टवल क्लीन क्लोथ कंटेनर फोर हॉट एंड कोल्ड वाटर बाथ बेसिन और ट्रे कंटेनिंग सॉप लोशन टेलकम पाउडर हेयर ऑयल कॉम नेल कटर किडनी ट्रे एंड पेपर बैग एंड लॉन्ड्री बैग तो ये सारे क्या है आर्टिकल्स होने चाहिए उसके बाद स्टेप ऑफ प्रोसीजर आ जाते हैं इसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे स्टेप वाइज जो है स्पोज बात एक पेशेंट को दी जाती है तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं प्रोसीजर के तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी पॉइंट्स हैं ये आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन पेडिक्रोसिस राइट द प्रिवेंशन ऑफ पेडिक्रोसिस व्हाट आर द पर्पस टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ पेड्यक्रोसिस एंड इट प्रोसीजर तो उसके बाद इसमें डेफिनेशन आ जाती है पेडिक्लोसिस डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बींग इन्फेक्टेड विथ लाइस लाइस और पेडिकुरी और द स्मॉल ब्लड सकिंग इंसेक्ट पेडिक्लोसिस क्या है एक तरह का एक इन्फेक्ट एक इन्फेक्शन होता है जो कि लाइस की, uh, की वजह से होता है वो क्या है ब्लड की सकिंग करता है एक तरह का इंसेक्ट होता है वो जो कि खून चूसना शुरू कर देते हैं दे आर द फाउंड ऑन हेड द बॉडी एंड द द्रीनियल एरिया तो इन एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है उसके बाद आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ पेडिकुलोसिस की पेडिकुलोसिस की प्रिवेंशन कैसे की जाती है मेनटेन ऑफ द प्रॉपर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन एग्जामिनेशन ऑफ स्कैल एंड पैरा पैरासाइटस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेडिक्लोसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ पैरासाइटस उसके बाद आर्टिकल्स आ जाएंगे आर्टिकल में होगा गाउन मास्क ग्लव्स एंड कैप कॉम बाउल एंड ब्रश किडनी ट्रे कार्बोलिक लोशन गोस पीस एंड कॉटन स्वैप पेपर बैग सेफ्टी पिन एंड द ट्रांगलर हैंड बैग एंड मैग्नीटोश उसके बाद प्रोसीजर आ जाएगा ये भी स्टेप वाइज प्रोसीजर होगा तो आपको जो ये प्रोसीजर दिया जाता है तो जैसे इसके पॉइंट्स दिए गए हैं आपको वैसे ही लिखने हैं यानी कि पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं जैसे ये पॉइंट्स दिए गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव आपको ऐसे ही लिखने हैं तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए इसमें तो ये पॉइंट्स हैं आपके सिक्सटीन पॉइंट्स हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग व्हाट आर द फॉर्म ऑफ ड्रग तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आ जाता है इसमें कि कौन से ड्रग किस पेन सॉरी किस पेन के लिए यूज की जाती है या फिर किस डिजीज के लिए यूज की जाती है जैसे कि एनल गैसिक ड्रग यूज फॉर द रिलीफ पेन यानी कि पेन के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक की जाती है रिड्यूस फीवर यानी कि फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन है वो दी जाती है तो ये सारे इसमें मेडिसिन दी गई हैं यानि कि सारी ड्रग्स आपको बताई गई हैं तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे भी दिया हुआ है इसमें एमलियन सेडेटिव तो ये सारे इसके हैं ड्रग्स यानी कि सारी क्लासिफिकेशन दी गई है ड्रग्स की देन उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ ड्रग कि ड्रग की, की फॉर्म क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में होता है और लिक्विड में मिक्सचर एंड सोल्यूशन होता है सॉलिड में टैबलेट कैप्सूल और पिल्स होती हैं और गैसेस में ऑक्सीजन होता है एनास्थेटिक गैसेस होते हैं और, है, और इनहेलेशन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है इसमें डिफाइन ओरल मेडिकेशन राइट द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल ड्रग एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर तो डेफिनेशन दी गई है इसमें ओरल मेडिकेशन की उसके बाद नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग द ओरल यानी कि नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओरल मेडिकेशन देने में तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं चेक द डायग्नोस एंड द एज ऑफ द क्लाइंट चेक द पर्पस ऑफ मेडिकेशन चेक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट चेक द डॉक्टर प्रस्क्रिप्शन करेक्ट नेम डोज चेक नर्स रिकॉर्ड ऑफ द टाइम एट विच द लास्ट डोज इज गिवन चेक द सिमटम ऑफ ओवर डोज एंड चेक एनी कॉन्ट्रोडिक्शन चेक औरल एंड इज अ फिगल लेजेंड एंड चेक सिक्स राइट तो ये सारे नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर कि प्रोसीजर कैसे होगा तो ये सारा स्टेप वाइज प्रोसीजर होगा इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स को आप पढ़िए एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड मेडिकेशन परपज ऑफ द पेशेंट यानि कि पेशेंट को सारा प्रोसीजर बताना है अस इज द पेशेंट टू सिटिंग पोजिशन हैंड वॉश प्रिपेयर मेडिकेशन रीड द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रीड द मेडिसिन लेबल प्रोपरली एंड शेक द बॉटल पोर द लिक्विड फ्रॉम द साइड तो आपने ये पूरे पॉइंट्स पढ़ने हैं अच्छे से तो ये इसके नेक्स्ट पॉइंट हैं तो ये आपको लास्ट रिकॉर्ड टाइम नेम लास्ट पॉइंट है इसमें रिकॉर्ड टाइम नेम ऑफ द मेडिकेशन विद सिग्नेचर एंड एनी साइड इफेक्ट तो ये सारे प्रोसीजर हैं ओरल मेडिकेशन के देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एनीमा तो इसका आपको मैं जल्द ही एक वीडियो देने वाली हूँ अनीमा से रिलेटेड तो उसमें आ जाएगा डिफाइन अनिमा वट आर द पर्पज ऑफ अनिमा इन लिट द टाइप ऑफ अनिमा एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ वाटर एंड द सोप अनीमा तो इसमें डेफिनेशन दी गई है पर्पज़ है टाइप्स ऑफ अनीमा है उसके बाद इसकी वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगी इसकी तो ये मैं आपको जल्दी से स्किप कर देती हूँ इसमें प्रोसीजर देख लीजिए आप एक बार प्रोसीजर में क्या क्या आपको क्या क्या आर्टिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें एंड देन इसमें आ जाएगा स्टेप फोर प्रोसीजर तो प्रोसीजर के इसके पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें तो जो भी प्रोसीजर हैं जैसे दिए गए हैं आपको उसी पॉइंट्स के थ्रू यानी कि स्टेप वाइज आपको लिखने हैं इसमें कुछ भी आप जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं पॉइंट्स को तो जैसे जैसे पॉइंट्स दिए गए हैं वैसे ही आपने लिखना है इनमें सो so गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही शेयर uh, करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बाकी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो अभी आप इनको नोट डाउन कीजिए या फिर सेव कीजिए पीडीएफ बनाइए तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस